और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर एक 5 साल के मासूम बच्चे को जहरीले कोबरा ने डस लिया। मासूम बच्चे की 5 मिनट के अंदर ही तड़प करके दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी घटना शायद उत्तर प्रदेश में आज तक देखी नहीं गई होगी कि जहरीले कोबरा के डसने से सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मौत हो जाए, उसे अस्पताल तक ले जाने का मौका नहीं मिला। मामला श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत महरौली गांव का है, जहां पर आज शुक्रवार को शाम 5 और 6 बजे के करीब में, आपको बता दें कि तस्वीर में आपको जो मेढक दिखाई पड़ रहा है, एक जहरीला कोबरा इस मेढक को अपना शिकार बनाना चाहता था। मेढक फुदक रहा था, जहरीला कोबरा उसके पीछे था, तभी अचानक से घर में 5 साल का मासूम बच्चा, जिसका नाम रघुवीर है, उसके पिता का नाम नंद कुमार है, नंद कुमार आर्या, तो ये 5 साल का मासूम बच्चा उस मेढक के बीच में और कोबरा के बीच में आ गया, जिसके बाद कोबरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और कोबरे ने मासूम बच्चे के पैर में इस तरीके से डसा, इस तरीके से काटा कि उसका पैर पूरी तरीके से लहूलुहान कर दिया, खून की धारा बहने लगी। आपने देखा होगा कि जहरीले सांप के डसने से 2 दांत का निशान बनता है, लेकिन यहाँ पर अपने शिकार को जब नहीं पा सका कोबरा, तो उसने मासूम बच्चे के ऊपर अपना गुस्सा उतारा और मासूम बच्चे के पैरों में इतनी बार डसा, इतनी बार नोचा, इतनी बार काटा कि उसके पैर से खून की धारा बहने लगी। यहाँ तक कि जब यह घटना हो रही थी, मासूम बच्चा चिल्ला रहा था, जहरीला कोबरा उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, तो बच्चा चिल्लाने लगा। इस पर दौड़कर लोग लाठी डंडा लेकर के पहुँचे। लाठी डंडा मारने के बाद भी जहरीले कोबरा ने मासूम बच्चे को नहीं छोड़ा और उसके बाद में किसी तरीके से रेंग करके घर में भाग गया। 1 मिनट के अंदर ही घर वाले मासूम बच्चे को गोद में उठाए हुए थे। 2 मिनट बीता 3 मिनट बीता कि इससे पहले कि एम्बुलेंस को फ़ोन करते, गांव के लोगों को सूचना देते, इससे पहले मासूम बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। बहुत ही दुखद घटना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से, जहां पर एक मेढक का शिकार होना था, जान किसी और की जानी थी, जान एक मेढक की जानी थी, लेकिन वहां पर एक 5 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। बहुत ही दुखद घटना है। अभी कल आपने देखा कि यही गांव है, इसी गांव के बगल में दहावर कला गांव पड़ता है, जहां पर एक महिला 34 वर्ष की महिला को जहरीले कोबरा ने डस लिया, लेकिन सही से निशाना लगा नहीं पाया जहरीला कोबरा, और फिर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी जान बच गई। चूँकि वो महिला थी, ताकतवर थी, लेकिन यहाँ पर एक मासूम बच्चा था, 5 साल का मासूम बच्चा, रघुवीर नाम बताया जा रहा है, रोटी खा रहा था बेचारा, और उसको क्या पता था कि मौत उसके घर में नाच रही है। दूसरी बात आपको बता दें कि आप लोगों ने 2 कहावत सुनी होगी सांपों के बारे में। एक लोग एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप कहने का मतलब कि आस्तीन का सांप यानी सांप आप लोग मत पालिए। दूसरी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, लोग कहते हैं कि सांप को जितना भी दूध पिलाओगे सांप आपको ही डसेगा। तो ये खबर और यहाँ पहुँच करके एक जानकारी और मिली है कि जो घर की महिला है उसे मालूम था कि उसके घर के आसपास में जहरीला कोबरा रहता है। महिला का ये भी कहना है कि उसे पता था, कई बार वो उसके घर में भी चला आया है। घर के चारों तरफ गंदगी व्याप्त है, बगल में भुसैला है, बगल में कंडोरा है, फूस का घर है, गरीब हैं बेचारे ये लोग, और यही सब वजह है कि घर में चारों तरफ आप देखिए मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का घर है, पक्का का घर है, लेकिन जो नीचे है फर्श नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे बिल हैं, तो इसी में जो है जहरीला कोबरा आता जाता रहता था, लेकिन घर वाले सोचते थे आज नहीं कल किसी तरीके से वो भाग जाएगा, लेकिन भागने के बजाय आज उसने घर के चिराग को ही बुझा दिया। बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पर जान जानी थी एक मेढक की, वीडियो में आपने देखा कि वो मेढक अभी तक डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अभी तक वो घर में है। जान जानी थी एक मेढक की, लेकिन जान चली गई एक 5 साल के मासूम बच्चे की। रघुवीर 2 भाई हैं, जिसमें से एक भाई की अब मौत हो चुकी है। सूचना पर पहुंची कोना थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, लेकिन ऐसी घटना शायद उत्तर प्रदेश में कभी आपने देखी नहीं होगी कि एक कोबरा किसी मेढक का शिकार करने जा रहा हो और बीच में किसी मासूम बच्चे का पैर पड़ जाए। तो कोबरा ने जिस तरीके से प्रतिशोध लिया है, जिस तरीके से बदला लिया है उसने, उसका शिकार जो है छूट गया, और उसका जब शिकार छूट गया तो उसने पूरा गुस्सा मासूम बच्चे के पैर में उतारा, इतनी बुरी तरीके से डसा, काटने लगा, नोचने लगा, लोग डंडा लाठी लेकर के दौड़ने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं माना और मासूम बच्चे के पैर को कई बार उसने डसा, लगभग 10-15 बार, और उसके बाद में नोच फाड़ करके मासूम बच्चे के पैर पर खून की धारा बहने लगी। तो ये घटना हुई है जो
शायद उत्तर प्रदेश में आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा। आमतौर पर देखा जाता है कि जहरीला कोबरा के डसने पर 3-4 घंटे का तो वक्त लोगों को मिलता है। आमतौर पर जो वयस्क पुरुष होते हैं जिनकी उम्र 18-20 साल होती है उनको 3-4 घंटे का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर 5 मिनट के अंदर ही एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, ये सोचने वाली बात है। साथ में ग्रेट श्रावस्ती चैनल पूरे श्रावस्ती वासियों से अपील करता है, दोस्तों 3-4 दिन से आप लोग लगातार हमारी चैनल पर अपनी खबरें देख रहे हैं कि जहरीले कोबरा का आतंक इस वक्त पूरे देवीपाटन मंडल में है। जहरीले कोबरा के डसने से एक हफ्ते के अंदर तकरीबन आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और आज यहाँ पर एक 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। तो आप लोगों से यही कहना है दोस्तों, आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने घर में देख लीजिए कहीं पर बिल वगैरह है या कुछ मेढक वगैरह घूम रहे तो उनको भगा दीजिए, हो सके तो कोई दवा डाल दीजिए घर में, जैसे महाकाल पाउडर होता है, फुरेन गोली होती है, ये सारी चीज़ें आप लोग डाल दीजिए जिसकी गंध सुन करके, जो गंध सुन करके जहरीला कोबरा आपके घर में नहीं आएगा। और कहीं भी जहरीला कोबरा दिखाई पड़ता है दोस्तों तो आप तुरंत उसको मार दीजिए, आप उसको दूध पिलाने का काम मत करिए, आप उसको, कहने का मतलब आप लोग आस्तीन का सांप मत पालिए। आपने देखा कि मासूम बच्चा 5 साल का, बहुत ही होनहार बच्चा, बहुत ही गोरा बच्चा था, क्या बताऊँ आपको, बड़ी तकलीफ़ हुई ये खबर रिकॉर्ड करते वक्त। सारे लोग बता रहे हैं किस तरीके से ये घटना हुई, घर वालों को जानकारी थी कि यहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है, इसके बावजूद भी लापरवाही देखी गई है। बहरहाल अब तो घर का चिराग बुझ गया, क्या कहें आपको, बहुत ही दुखद घटना है। ये वही घर है, हम आपको लेकर चलते हैं नंद कुमार आर्य के घर में, जहाँ पर बच्चे बता रहे हैं, बच्चे अभी तक दहशत में हैं। बच्चों का ये कहना है कि वो कोबरा सांप अभी तक इसी घर में छिपा हुआ है और कहीं ना कहीं से वो रात बिरात कहीं ना कहीं निकलेगा। बहरहाल ग्रेट श्रावस्ती चैनल जब कवरेज करने पहुंचा है तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल के द्वारा लोगों को बता दिया गया है कि आप लोग बिल्कुल ही घर में मत सोइएगा, सुबह तक आप लोग इंतज़ार करिए, रात में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा घर खोद डाला गया है, लेकिन कहाँ छुप गया है जहरीला कोबरा उसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में है इस वक्त, क्योंकि उसका जो शिकार है मेढक, वो मेढक वो शिकार नहीं बना पाया और बीच में मासूम बच्चा आ गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जहरीले कोबरा ने डस लिया, किसी की मौत होगी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आंखों के सामने ही हुआ है, सब लोगों को दिखाई पड़ रहा था। घर के जो बड़े सदस्य थे वो चले गए थे खेतों में मवेशियों को चराने के लिए, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे आखिरकार उस जहरीले कोबरा से कितना लड़ लें, आप लोग स्वयं बताइए। तो दोस्तों, बाढ़ और बरसात के महीने में जहरीले सर्पों के काटने का, डसने का सिलसिला बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और घरों में जो है जितने बिल हैं उनको पाट दें, आप लोग दरवाजे में जो सुराख है उसको बंद कर दें, और ख़ास करके आपको बता दें कुछ जहरीली दवा या फिर फुरेन गोली होती है या फिर मिट्टी का तेल होता है, ये सारी चीज़ों का छिड़काव कर दें, क्योंकि बाढ़ और बरसात के महीने में जब जहरीले सर्पों का जो बिल होता है उस बिल में पानी भर जाता है तो जहरीले सर्प बहुत ही गुस्से में होते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जहरीला कोबरा इतना गुस्से में था कि वो अपना शिकार बनाना चाहता था एक मेढक को, लेकिन मेढक बीच में बच्चे का पैर पड़ गया तो उसने सारा गुस्सा बच्चे के ऊपर उतार दिया और बच्चे को बहुत ही बेरहमी से नोच डाला, उसके पैर से बता रहे घर के लोग कि खून की धारा बह रही थी, जहर इतना घातक था कि 5 मिनट के अंदर ही मासूम बच्चे की मौत हो गई। हाँ बेटा, कौन सा सांप रहा जो आपका भाई काटिस, कौन सा सांप रहा? काला रंग के रहा, तो बिल्कुल शांत रहो, शांत रहो, बिल्कुल आपके सामने ही काटा, आप छुड़ाने के लिए गई थी, तब नहीं छोड़ रहा था, नहीं छोड़, बड़ा था, बड़ा, फिर क्या किया आपने, लाठी डंडा कुछ? लाठी का तब रहा, मतलब जब काटने लगा आपके भाई को आपने क्या, सर से घर में घुस गया, किस तरफ गया है, जब भैया लेके भागे तब ऐसे रंगत रहा, मतलब जब वो का लेके भागे हो तो उस तरफ से यहाँ रेंगत रहे, खदिया दिन तो ना इमर तो देख रहे हैं, खदिया घरम ना टारी का का रुका ना है, वो निकल गया हो, असली नाम का है रुका ना, रघु का बता रहा राव में है, काटियो रघुवीर 5 साल है, उनके पिताजी के नंद कुमार, ओ मार पुतवा रे, मार पुतवा आज करा उठाई लई गवा, मार पुतवा करा उठाई लई गवा रे दादा,
हमरे लाके कोई नाई है मार पुतवा गावा आज रे दादा ठेक ठाक बिल रहा भैया वही घुसा रहा था मगर हम नहीं जानी है मेरा भैया को खवा करी नहीं मराई डारी तो का यानी पहले से आपको पता रहा कि यहाँ है मर रहा था मगर नहीं दुआ चाली करे तो हम गए कि पहले से आप जानते रहे कि यहाँ रहत रहा तो जब जानत रहे तो नहीं कहे कि आपको एक बला ज्ञान थे कि सांप खतरनाक होते हैं मगर वो हर रात रहा ही मैं नहीं मैं वैसे कबो कबो देखा है हटा हटा इतनी रहा था बस वारी ला से बस जम रहा था तो भाई घर में घुस चाची इधर देखो का नाम रहा आपके लड़का का हाँ चाची आपके लड़का का नाम है मरा है तो हाँ अंजीत अंजीत नाम है रघुवीर नाम है रघुवीर कई साल के है ये लड़का 3 साल के हमारे पुतवा भी कहीं चले गए तो देख नहीं पाया जिसे का करत रहा वो यही बिटी बार आई हम छगड़ी चरावे चली गई ना वही दवाई तो बाबा मैं फटारवा नोच जा रही बुढ़ा रहे फटारा देखे हुए फटारा हां हाँ, देखा नहीं कोई लोग बाद में आया जब करिया काला काला रहा छोड़ता ही नहीं रहा लाठी डंडा लिए तब वो नहीं छोड़ता रहा जब पकड़या गोलम काटत रहा तभी मारी से बतावत मतलब काला ब्लैक कलर के रहा हाँ, ब्लैक कलर का रहा तो जैसे सांप काटिस कितना देर लगा आपका अस्पताल ले जात मतलब ले जाए पाए कि ना ले जाए पाए तुरंत ही चला गया तुरंत इतना तगड़ा जहर रहा यार और तुरंत खत्म होगा देर नहीं लगा 5 मिनट लगभग 5 मिनट के अंदर खत्म होगा तो मतलब कोई देखे हुए कौन सांप हुए ऐसे मुहर्रम खेलता है तो बैठ रहो और यह खाता अमरूद बहाना वैसे आवा घर में भाई है बड़ो में काट खाई जब रोवे लाग आप लोगों ने देखा नहीं कौन सा सांप है जिसे कोबरा पिटारा अच्छा क्या तो तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों ये वो मेंढक है जिसका वो शिकार कर रहा था कोबरा लेकिन मेंढक की जान बच गई वो 5 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई।